भोपाल के कोहे फिजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शालीमार अपार्टमेंट में 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात कुल 7 आरोपियों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर को पुरानी रंजिश और अन्य कारणों के चलते हत्या करने का प्रयास किया गया था। उसके ऊपर गोली भी चलाई गई थी, साथ ही तलवार से सिर पर हमला किया था। उसे गंभीर रूप से घायल कर आरोपी वहां से भाग खड़ा हुए। 7 आरोपियों में से 3 आरोपी विदिशा आकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राधिका रेस्टोरेंट में जाकर छुप गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद रविवार देर शाम को पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में भोपाल कोहे फिजा में हुई घटना के बाद तीनों आरोपियों ने स्वीकार की है। वहीं कोहे फिजा पुलिस को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। बना लो आप विजुअल बना लो। आप देख लो, 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं ज़्यादा इसका मतलब नहीं होगा। आप रिस्क बेनिफिट ना करो, कोई अर्जेंट कोई सब चीज़ ऐसा हो गया। सर एक सेकंड बैठिएगा, थोड़े पास से ये कुछ चाय नाश्ते ही बचता है। जी जी देखिए, कल दोपहर के समय हमारी टीम को, सिविल लाइन थाना टीम को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन रोड पर एक होटल है, वहां पे 3 संदेही आरोपी रुके हैं जिनके पास कुछ हथियार हो सकते हैं और ये कोई बड़ी घटना या वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हमारी सिविल लाइन टीम वहां पे पहुंची थी, इन्होंने उन आरोपियों को राउंड अप किया। ये तीनों आरोपी जो हैं, शाहिद, फिरोज और आदिल, ये भोपाल के रहने वाले थे। इनके पास से एक फायर आर्म, कुछ कारतूस और 2 हमें धारदार चाकू बरामद हुए। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि कल और परसों की दरमियानी रात में ही भोपाल में एक हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। कोहे फिजा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर इन्होंने फायर किया था, अटैक किया था हत्या के प्रयास का। वो उसमें फरार आरोपी थे और विदिशा में आके छिपे हुए थे, जिसको कि हमारी सिविल लाइन टीम ने पकड़ा। इसमें मूल आरोपी जो कि कोहे फिजा थाने के थे, वहाँ की टीम भी हमारे यहाँ पे आई, उन्होंने भी इनसे पूछताछ की है और इन पे हमारे यहाँ एक आर्म्स एक्ट का प्रकरण हमने प्राथमिक तौर पे दर्ज किया है, जिसमें इनके गिरफ्तार किया गया है और इनके जो सामान थे उसकी जब्ती की गई है। आगे की विवेचना हमारी टीम और कोहे फिजा की टीम जो प्रकरण है उसमें करेगी। सर, ये तीनों आरोपी हैं जो पहले से भी मुकदमा दर्ज, जैसा कि अभी जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी है, लगभग 10-10 अपराध इन सभी के ऊपर दर्ज है। ये आदतन अपराधी है और गुंडा सूची में लिस्टेड है। जैसा कि जो नए भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें धारा 111 संगठित अपराध की धारा है, तो इनको संगठित अपराध के तहत भी एक अपराध मानते हुए इनको कार्रवाई की जाएगी, हमारे द्वारा भी और जो भोपाल की टीम है उसके द्वारा भी। सर, भोपाल गोलीकांड में कुल कितने आरोपी हैं? कुल इसमें जो मूल अपराध कोहे फिजा थाने में है उसमें 7 आरोपी थे जो कि अलग अलग जगह फरार हुए थे, 3 विदिशा में आए थे जिनको हमारी टीम ने सफलतापूर्वक पकड़ा है।